अब शरद यादव नहीं रहे, मेरे साथ कुंवर दानिश अली हैं जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं। क्या लगता है अब उस कड़ी को कौन आगे बढ़ाएगा? आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। देखिए, शरद जी का जाना एक युग का अंत है। हम तो कहते हैं हमारे जैसे देश में शरद जी ने हजारों हजारों कार्यकर्ता बनाए। हम आज जहाँ खड़े हैं, हमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग शरद यादव जी ने दी। जब हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे तो घंटों घंटों साथ बिठा करके, जैसे क्लास में टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, ऐसे शरद जी हमें ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। और मतलब शरद जी का जाना मेरे लिए तो व्यक्तिगत लॉस है। लेकिन सोशल जस्टिस के सिपाही मंडल मसीहा, इन्होंने ही सांप्रदायिक राजनीति के दरवाजे भी खोले, जिसकी वजह से आज 20 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि मंडल का इम्प्लीमेंटेशन, अगर शायद शरद यादव जी उस वक्त केंद्र में मंत्री ना होते, उनके पास इतनी ताकत ना होती, तो इस देश में मंडल कमीशन लागू ना हुआ होता। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि 90% मुसलमान मंडल कमीशन के अंदर हैं, OBC कम्युनिटी में हैं। लेकिन BJP का रास्ता भी कहीं ना कहीं शरद यादव जी राष्ट्रीय संयोजक बने NDA के, और वहीं से BJP का रास्ता खुला और सांप्रदायिक राजनीति आज अपने सब आप पर है। इतिहास जब लिखेगा तो हर चीज़ का गणना होगी ना सर। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब शरद जी ने और उनके साथियों ने, जब नीतीश जी हों या शरद जी, जब मंडल लागू कराया, तो मंडल की काट ढूंढने के लिए उन्होंने कमंडल ले आए वो। और जो मंडल से उभरे हुए नेता आज आप देखते हैं कि ये शरद यादव जी की ही दूरगामी सोच थी कि जब मंडल कमीशन लागू होने के बाद ही आज विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं, संसद का, लोकसभा का जो अंदर जो एक दृश्य है वो बदल गया है। अब वो बात अलग है कि कुछ छोटे फायदे के लिए समाज में से कुछ लोग कमंडल की राजनीति में ट्रैप कर लिए गए, लेकिन आपकी और आपकी पार्टी की जिम्मेदारी तो अब बढ़ गई है, क्योंकि शरद जी अब, लालू जी संसद आ नहीं सकते हैं, शरद जी अब रहे नहीं, तो बसपा है या दानिश अली जैसे लोग हैं। नहीं, हम एक कार्य बोलते हो, हम एक कार्यकर्ता के रूप में जो हमारी एक सोशल जस्टिस की जो सोच है, जो हमारी अम्बेडकरवादी सोच है, हम उसको संसद में प्रकट करते हैं। मुस्लिम समाज शरद जी के कंट्रीब्यूशन को या NDA के संयोजक बनने पर दोनों को नफा नुकसान के कैसे आकलन करेगा, क्योंकि इतिहास सबका आकलन करता है? देखिए, आपने तीसरी बार ये मुझसे सवाल किया NDA के संयोजक, लेकिन शरद यादव का उस रूप को भी आप दिखाइए। जब उनको पता चला कि ये कितने ख़तरनाक लोग हैं, तो शरद जी अकेले खड़े रह गए। शायद उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी छात्र राजनीति की, 27 साल की उम्र में जब वो सांसद बन गए, तब से लेकर के एक साल पहले तक वो लुटियन जोन में ही रहे, संसद के अंदर ही रहे, चाहे लोकसभा में रहे चाहे राज्यसभा में रहे, और संघर्ष करके रहे। शायद उनको अब उनके उस फैसले की, जिसमें उन्होंने अवगत कराया लोगों को कि ये रास्ता जो है BJP के साथ, RSS के साथ जाने का रास्ता ठीक नहीं है, जिनसे गलती भी होगी उनको भी वापस लाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग फिर वापस चले गए, लेकिन शरद जी अपने फैसले पर अड़िग रहे और अकेले खड़े रह गए। पटना के गांधी मैदान में शरद यादव का एक ऐतिहासिक भाषण है कि अल्पसंख्यकों पर जब हाथ उठे तो उस हाथ को रोक लीजिए, वो देश निर्माण में काम आएगा। शरद यादव ने मंडल कमीशन का, उनको मसीहा बोला जाता है, लेकिन इस देश के TV और अखबार जिसमें जाति विशेष के लोग बैठे हैं, उन्होंने शरद यादव को दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का नेता बना दिया। लेकिन शरद यादव के मंडल कमीशन की वजह से 90% मुसलमान आज OBC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस बात को मुस्लिम समाज तक भी नहीं पहुंचने दिया। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि वो कभी NDA के संयोजक भी बने थे, तो आपको सोचना है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि एक बार वो संयोजक बने लेकिन मंडल कमीशन में 90% मुसलमान आते हैं, जिनको लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। इतिहास सबका इतिहास लिखेगा, इतिहास में सबके कामों का आकलन होगा, लेकिन सवाल तो है
कि जब पहले कोई जातीय विरोध में सोशल जस्टिस के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ बिल आता था तो सरकारों को लगता था कि संसद में शरद यादव है, अब वो भूमिका किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। शरद जी के न रहने के बाद वो जगह कहीं खाली रहेगी या कोई आएगा? कुंवर दानिश अली इसी तरह के एक सांसद हैं जो लगातार शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाते हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।